जय हिंद एंड नमस्कार सबको। तो आज मैं फिर से A5 का कुछ रिज्यूम कर रहा हूँ। कुछ ट्रैवल शूटिंग पार्ट्स जो अभी A5 का पेंडिंग था, मैंने भी कुछ सीखा है और मैंने कुछ पढ़ा है। तो जो भी मैंने सीखा है पढ़ा है मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करने वाला हूँ। बेसिकली ये A5 का CLI ही पार्ट है ज़्यादातर, ठीक है। इसमें कुछ कमांड्स हैं, ठीक है, तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि अरे किधर गया भाई, वो ये नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी, 1 मिनट। ये VMR भी तो इसको मैं थोड़ा मिनिमाइज कर देता हूँ, VMR मुझे अभी तक चाहिए नहीं, ठीक है। तो मैं अपने को भी थोड़ा साइड में हटा देता हूँ। देखिए मेरे पास ये तो किधर होगा, हाँ यही है। तो कुछ इसको ना इस साइड ऊपर में रखते हैं क्योंकि हमने कुछ ज्यादा, देखिए पहले तो आपको क्विट सिखाते, QUIT। यहाँ से अगर आप क्विट कर देते हैं ना, क्यू यू, तो आपको ये नॉर्मल ये जो आ गया है ये आपका है लिनक्स का कर्नल है, ठीक है। इसमें अगर आप देखो मैंने बहुत सारे कमेंट्स यहाँ पे, इसको आपको F5 के शेल में अगर जाना है तो ये सबको पता है, TTMSH देना होता है। तो ये आपका F5 के कर्नल में, यहाँ से निकलने के लिए QUIT करके इंटर मारो तो ये आपका लिनक्स में आ गया, ठीक है। यहाँ से आप अगर चाहो किसी को टेलनेट करना चाहते हो या पिन करना चाहते हो, ठीक है, 8.8.8, तो ये लिनक्स कर्नल से पिन हो रहा है, देखो अनरीचेबल दिखा रहा है, ठीक है, वो 150 के बाद, ये इसका मैनेजमेंट IP से हो रहा है, ठीक है। ठीक है, LNET टेलनेट करना चाहते हो आप, अगर सोचो कि 8.8.8 को लगा दो 4443 में कनेक्शन होगा नहीं, तो ये सब यहाँ से हो सकता है, नहीं है रिस्पॉन्स, ठीक है। और एक है NET नेट स्टैट, अगर इसको माइनस N शायद, ठीक है, ये तो अच्छा N है क्या, ये है मुझे पता नहीं है, क्या था कमेंट्स मुझे 2 4 बार देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि मुझे सब याद है, ठीक है। कमेंट्स मैंने एक नोट पैड में लिख के रखा है, नोट पैड प्लस प्लस में, देखो नेट स्टैट क्या था ये, आपको ये नेट स्टैट माइनस आर और राउटिंग दिखेगा, आर नेट स्टेट माइनस आर, जो ये थोड़ा टाइम लेता है, ठीक है। यहाँ पर जो राउटिंग है मतलब ये F5 का जो राउटिंग से या लिनक्स कर्नल से जो भी राउटिंग गेट से वो फेच कर देगा आपको, क्या राउटिंग है क्या नहीं है। देखो ये कुछ दिखा रहा है, ठीक है, ये मेरा डिफॉल्ट एक रूट है, ये मेरा गेटवे है इंटरनेट के लिए, ठीक है, मैनेजमेंट IP की तरह, मैनेजमेंट IP से। तो बाकी ये कुछ सर्वर्स, वर्चुअल सर्वर्स है, ये सब 0.0 पड़ा है, कोई डेडिकेटेड इंटरफेसेस के लिए नहीं है। और एक चीज है वो, और भी बहुत कुछ है, नेट स्टैट, अगर आप नेट स्टैट करोगे और इसको टैब दोगे तो बहुत कुछ है, लिनक्स कमांड है मुझे नहीं पता ऑनेस्टली, ठीक है। SNMP भी करो, देखो क्या है नहीं है, ठीक है, बहुत कुछ है इसमें, लिनक्स है मुझे बिल्कुल पता नहीं है। clear clearscrn screen, ये कमांड मुझे है, क्लियर स्क्रीन करके निकल जाओ। अब मैं जाता हूँ सीधा F5 में, TMSH, मगर TMS में चाहे दो कमांड मैं आज के बेसिकली दिखाता हूँ। एक है लिस्ट, अगर आप लिस्ट करो, लिस्ट में करने के बाद अगर आप स्लैश यूज करो लिस्ट LTM, उसके बाद देखो इसमें ना टैब का बहुत यूजेस है, तो ऐसे नहीं है कि जैसे मैंने दूसरे कुछ में होता है कि यहाँ पे आप सब कुछ देख सकते हो। देखो टैब के बाद LTM, LTM के बाद मैंने बोला कि भाई मुझे दिखा पुल,
आप ये यहाँ से क्लिक करके राइट क्लिक कर दो, ठीक है, एंटर कर दो। मेरे पास कितना पूल है देखो, अभी दिखा रहा है LTM में दो पूल है मेरा, एक 42 10, एक 42 20, ठीक है, ऐसे करके देख सकते हो। दूसरा कुछ पूल के बाद अगर आपको और कुछ ऑल पार्टिसिपेंट्स करके एक है, उसके बाद देखो टैब दो, हाँ एंटर करो, अगर उसको दिखाना है वो पूरा डिटेल्स आपको दिखा देगा। दिख रहा है क्या नोट्स है पूरा सर, खिचड़ी विचड़ी जो भी है सब दिखा रहा है। ये यहाँ से निकालने के लिए क्यू प्रेस करो तो आपको आ जाएगा। अब यहाँ से क्लियर स्क्रीन नहीं होता है तो आपको फिर दोबारा से यहाँ पे करके LTM करके टैब करना होता है। अच्छा यहाँ पे देखो रूल, SNMP, मोड, पॉलिसी, नेट, देखते हैं नेट में कुछ पड़ा है कि नहीं, नेट कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा राउटिंग करके कुछ होगा, अच्छा वर्चुअल एड्रेस करके है, ठीक है LTM, इसको कॉपी करके ऐसे मार दो। वर्चुअल एड्रेस देखो, वर्चुअल एड्रेस मेरे पास दो ही दिखा रहा है वर्चुअल एड्रेस, ये क्या 40.50, ठीक है जी, वर्चुअल एड्रेस जो हम क्रिएट किए हैं 40.50 के अंदर, ये क्या ये 192.168, ये वर्चुअल एड्रेस जो हम लोग क्रिएट करते हैं LTM वर्चुअल एड्रेस 192.168 40.50, ठीक है LTM वर्चुअल 192.168.50, दो डिफरेंट है, दो वर्चुअल एड्रेस है, तो वर्चुअल एड्रेस डिफरेंस दिखा रहा है, ठीक है। स्कीम वर्चुअल एड्रेस के अंदर होता है आपका नोट्स दिखाते हैं, राइट, तो ही है, ठीक है। अगर आपको और देखना है, SNET शायद नहीं है, SNET, ठीक है SNET नहीं है, जो कॉन्फ़िगर नहीं है वो आपको नहीं दिखेगा। और भी दो चार मैंने देखा था, रुक जाइए, ये लिस्ट नेट रूट, LTM पूल रूट, रूट के लिए अगर हम LTM उसके बाद भी टैब करो तो बहुत ऑप्शंस आते हैं, लेकिन कुछ यूजेस क्या करोगे इसके बाद, ठीक है, वो आप NAP ऐसे करके भी दे सकते हो, ऐसा नहीं है कि ROUT, इसके लिए स्लैश करके अगर हम यहाँ पे सॉरी आएगा बैड, देखो अगर उल्टा सीधा कमांड देखो तो बोले कह रहे भाई कहाँ से लाए कमांड, ठीक है हाँ लिस्ट, अच्छा ये फिर ये होगा लिस्ट होगा, तो हमने LTM लिख दिया क्या, ये लिस्ट NATNET, अच्छा लिस्ट के बाद ये देना है NATNET, नहीं दे रहा है क्या, क्यों क्या हुआ गलती, लिस्ट सो LTM पूल यही तो था, नेट लिख रहा हूँ, गधा तो गधा ही होता है, वही सोच रहा हूँ नेट रूट, देखो आपको दिख जा रहा हो TP, तो मेरे पास अभी भी कोई है नहीं, कुछ नेटवर्क क्रिएट नहीं है, दिखाते हैं ऐसे, झूठ बोल के तो फायदा है नहीं। इधर है मेरा HTTPS:// 162.0.1.5, नहीं यहाँ से तो खुलेगा नहीं, यहीं पे कुछ था, क्रोम कहाँ है, HTTPS:// 192.50, ठीक है, ए डी एम आई एन
पता नहीं खुलेगा कि नहीं, पासवर्ड गलत भी हो सकता है। हाँ पेटीएम आईएन, पासवर्ड गलत है, भूल गया, कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। अच्छा इंडिया 1 2 3 ठीक है। ADMIN ऐसा ही कुछ था। हाँ खुल गया। देखो अगर अब मैं यहाँ पे आता हूँ नेटवर्क में, यहाँ पे राउट्स देखो कुछ नहीं है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ भाई, एक ऐड कर देता हूँ, नेम है PING पिंग, डेस्टिनेशन होगा 192.168.1.5 के तरह, और सॉरी डिस्क्रिप्शन मांगा, डेस्टिनेशन दे दिया, नेटमार्क से भी डाल दो, यूज गेटवे के कहाँ से जाएगा, गेटवे आईपी एड्रेस मेरा है 192.168.1.1 ठीक है। MQ कुछ मैं सिर्फ फिनिश कर देता हूँ। स्टैटिक रूट है तो सबनेट है तो आर इनवैलिड आ रहे भाई, सॉरी माय मिस्टेक, गधों की तरह काम करोगे तो ऐसे ही गाली देगा। 30.5 फिनिश, यह तो एंड यह तो नहीं इनवैलिड। क्या दे रहा है भाई, 191.68 लगा दीजिए। तो स्टैटिक गेटवे इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड वाया इंटरफेस। अच्छा कोई नहीं भाई, डायरेक्टेड तो 0.1 कर दो, मेरे पास तो 0.1 कनेक्टेड है। अब देखो कोई नहीं बोले, फिर भी कनेक्टेड नहीं है। 0.50 आईपी एड्रेस यूज गेटवे एड्रेस 192.168 कनेक्टेड वाया इंटरफेस। अच्छा डायरेक्टली वाया इंटरफेस से कनेक्टेड नहीं है, जो इंटरफेस से कनेक्टेड है। ये मैं उल्टा सीधा कर रहा हूँ इसलिए ऐसा दिखा रहा है, नहीं वहां पे तो गेटवे एड्रेस प्रॉपरली डालना पड़ेगा। कौन सा डाल लो, 150 के साथ क्या डायरेक्टली कनेक्ट, क्योंकि ये मेरा वर्चुअल आईपी एड्रेस है। कोई नहीं, मैं दूसरा कुछ गेटवे नहीं देके मैं अगर यूज फुल कर देता हूँ तो भी हो जाएगा। देखो ये ठीक है, ये यहाँ से करेगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और सेम चीज देता हूँ, अब दिखेगा कि मैं इस फुल से इसको पिंग कर रहा हूँ। तो अगर आप बढ़ाते जाओ, 2 3 4 5 करते जाओ, तो यहाँ पे सारे आपको राउटिंग दिखने शुरू हो जाएंगे। ठीक है ये लिस्ट का काम। और मेरे कहाँ कहाँ क्या क्या है और एक बार देख लेते हैं, ये हो गया। और हाँ और एक चीज, अगर आपको डायरेक्ट सोचो कि टीएमएस के बाद देखना है आपको पूल, टॉगल पूल एंटर करो, पूल में सॉरी टीएमएस के बाद है LTM, LTM में चले गए, PLL पूल में चले गए, उसके बाद LIST करो लिस्ट, वो भी आपको दिख जाएगा कि यहाँ से निकलने के लिए आपको कोई काम नहीं आएगा, EXIT काम आता है, एग्जिट EXIT एग्जिट काम आएगा। तो फिर अब बैशल जो था TMS का सेल पे आ गए। ओके ओके और LTM वर्चुअल आईपी एड्रेस यहाँ पे शो सिस्टम कनेक्शन। अब यह देखते हैं कुछ कनेक्शंस के बारे में देखते हैं, ये आप लोगों को ट्रैफिक शूटिंग में बहुत काम आने वाला है शो सिस्टम कनेक्शन। ये कुछ बेसिक्स दिखाए थे, राउटिंग टेलनेट, आप पिंग कैसे करोगे। देखो ऊपर में भी कुछ है, अगर आप रन अल्टिल पिंग, अगर आपको किसी को पिंग करना है ऐसे, यहाँ से पिंग काम करता नहीं है, देखो 8.8.8। अच्छा यहाँ से भी कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा और एक है आर यू एन रन यूटिल कमांड बोल के एक है, इसके बाद अगर टैप करोगे देखो यहाँ पे भी बहुत कुछ है। ठीक है यहाँ पे देखो होता है टीसीपी डंप, ठीक है टीसीपी डंप के लिए मेरा यहाँ पे टेलनेट, अगर टेलनेट करना चाहते हो तो 1.1.1 पोर्ट नंबर 80 से करो, तो ये सब आपको मिल
कर सकते हो आप। मैं एक चीज देखता हूँ क्या होता है। मेरे पास वर्चुअल सर्वर्स हैं। किधर गया मेरा वीएमआर अंकल? वीएमआर अंकल ये तो फेसबुक व्हाट्सएप है, ये नहीं, इसको बड़ा कर दो। अरे यही तो दिख रहा था। अब देखो इस सिस्टम का एक काम करते, देखते इस सिस्टम का आईपी है। देखो देखो देखो। Forty 42.20 ठीक है। अब इसको हम करते हैं टेलनेट 112.168.42.20 18 में। देखो यहाँ पे दिखा रहा है कनेक्टेड, ठीक है, लेकिन इसके अंदर मुझे कुछ नहीं करने देगा, ठीक है। इसको क्विट करो तो ये आपका आ गया है। देखो यहाँ पे उसने कुछ दिया है कि भाई हमने HTTP क्या था ये, हमने टेलनेट किया था, HTTP बैड रिक्वेस्ट कनेक्शन टाइप जो उसके अंदर चला गया था। अब उसको पिंग करते हैं, अगर हम 443 में देंगे तो ये कनेक्शन टेलनेट कनेक्शन, लेकिन 480 में जब दिए तब वो कनेक्शन स्टाब्लिश हुआ है, वैसे भी हम चेक कर सकते हैं। और अगर हम इसको रन यूटिल पिंग करें, PING पिंग, इसको हम रिफॉर्म करके पिंग करो, देखो ये पिंग हो रहा है, ठीक है। तो रन यूटिल करके भी आप कर सकते हो, और अगर हम ऐसे ही सिर्फ पिंग लगा के राइट क्लिक करते देखते तब भी ये हो रहा है, ठीक है। मैंने एक जगह देखा था नहीं हो रहा था, तो इसलिए रन यूटिल कमांड मैंने चेक किया था, और TTL टेलनेट भी काम कर रहा है, ठीक है। कोई नहीं, आप इसको ये 80 में दे दो, देखो ये कनेक्शन हो गया है, कंट्रोल सी कर लो, आ गया, ठीक है। अब जो बहुत ही ये दो तीन कमेंट्स है, ट्रेस रूट देखते, TRAC ट्रेसर, टी ट्रेस रूट भी आता है यहाँ पे, ट्रेस रूट है कमेंट, TRAC ट्रेस रूट, ठीक है, इसी को दे दो, ट्रेस रूट करके देखते हैं ट्रेस रूट मिलता है कि नहीं। तो ये सब ट्रैवल शूट के लिए आप लोगों को काम है, ये तीन चीज तो है ही, पिंग, टेलनेट और ट्रेस रूट। तो नेटवर्क में कभी भी कनेक्टिविटी के लिए चेक करने के लिए आपको ये करना ही होगा। देखो ये कुछ नहीं दे रहा, पता नहीं देगा कि नहीं, तो छोड़ दो इसको ऐसे। अब जो एक इम्पोर्टेंट कमांड है वो सर्वर से कनेक्शन टेस्ट करने के लिए आता रहता है, लगता ही रहता है ये कमांड्स। देखो यहाँ पे चार कमांड्स है, ये चार और ये चार, CS और SS, ठीक है। तो इसमें सो सिस्टम कनेक्शंस के बाद जो भी कमांड्स आप डालोगे, ठीक है। एक काम करता हूँ इसको आप स्क्वायर स्क्रीन कर लेता हूँ, मैसेज करता हूँ, ठीक है। सो CONN सो स्लैश CONN सो शो या लिस्ट था, ये ना भूलना मत, शो सिस्टम, देखो ठीक है, शो SYS CONN कनेक्शंस। अब यहाँ पे देखो कितना है, ऑल पार्टिसिपेट एग्जाम, ये की क्वाड MG रॉ ट्रेस जरा, या पाइप भी डाल सकते हो, ठीक है। तो पाइप पाइप का कमांड धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। तो मैं पहले CS लेता हूँ, CS क्लाइंट एड्रेस, ठीक है। तो इसको CS क्लाइंट एड्रेस के बाद वो बोले कि भाई कुछ एड्रेस डाल, क्लाइंट एड्रेस मैं डालता हूँ, मेरा जो सिस्टम का एड्रेस है वो, ये मैं टेस्ट PC बना के रखा था इसका, तेरा
तेरह, बताओ भाई। 40.10 ठीक है। 192.168.40.10 दिस कनेक्शन रिकॉर्ड जीरो, कोई कनेक्शंस नहीं है इससे। और एक चीज मैं देख लेता हूँ उसके बाद, पोर्ट का तो अभी पता ही नहीं है। 40 ठीक है, इसमें कुछ नहीं है तो मैं फिलहाल LTM पे जाता हूँ, नेट मैप में जाता हूँ, यहाँ पे मुझे डिटेल्स मिल जाए। देखो ये मेरा वर्चुअल सर्वर पुल अप है, 40.50 है एक जगह, एक है 40.50 ऐप है, 42.10, 42.20 ठीक है। ये वर्चुअल सर्वर अब है, ये मेरा डाउन है। तो मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, सब चेक कर रहा हूँ ठीक है। क्लाइंट साइड एड्रेस से कुछ नहीं मिला। अब क्लाइंट के जगह हम लगाते हैं CS सर्वर एड्रेस, पोर्ट में बाद में दे रहा हूँ। सर्वर एड्रेस कौन सा है मेरा, 40.50, 192.168.40.50। तो इसमें भी कुछ नहीं है, कोई कनेक्शंस नहीं है। मैं एक काम कर रहा हूँ, यहाँ पे आ गया, इस सिस्टम पे आ गया। मैं कह रहा हूँ बापू एक काम कर, 40.50 में एक कनेक्शन इनिशिएट कर। देखते हैं आ रहा है, कुछ तो खुला ठीक है। 40.50 में एक कनेक्शन इनिशिएट हुआ। अब इसमें देखो ये है पोर्ट 80 में कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ, कौन कर रहा है, 192.168.40.10। सिमिलरली अगर मैं इसको डालू तो भी वो ही दिखेगा, देखो ये ठीक है, 80 में कनेक्शन इनिशिएट कर रहा है। अब दूसरी चीज, इसकी जगह मैं लगा देता हूँ क्लाइंट एड्रेस की जगह हम लोग लगा देते हैं पोर्ट 80 में। देखो कोई कनेक्शंस नहीं है, क्लाइंट 80 में कोई रिक्वेस्ट नहीं डाल रहा है। अब इसी को हम लोग कर देते हैं सर्वर साइड, क्लाइंट की जगह हम लोग लगा दिए सर्वर साइड पोर्ट 80 में। अगर कुछ देखो सर्वर 80 में कुछ आ रहा है तो क्लाइंट का सोर्स पोर्ट अगर हम डाल सकते हैं तो भी क्लाइंट से भी दिखेगा कौन सा पोर्ट से ट्रैफिक इनिशिएट हो रहा है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, 1 2 इसको हटा के ये कर से, देखो ये दे दिया। तो इस तरह आप कर सकते हो कि सर्वर से क्लाइंट साइड का जो कॉन्फ़िगरेशंस है वो सर्वर एड्रेस क्लाइंट एड्रेस दे के आप कर सकते हो। और एक चीज आप अभी और भी चेक करते हैं। अब देखते हैं 42 में कुछ दिखाता है, ये वर्चुअल सर्वर का आईपी है। अगर मैं बैक एंड में 42.10 की जगह काम करना चाह रहा हूँ, इसमें देना चाह रहा हूँ पोर्ट सर्वर 42.10, अगर मैं डालता हूँ तो कुछ नहीं दिखेगा मुझे। देखो कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि वो जो कनेक्शन दिखा रहा है वो वर्चुअल सर्वर के हिसाब से दिखा रहा है ठीक है। ये सॉरी ये क्या कहते हैं इसको, ये है हाँ वर्चुअल सर्वर के पूल मेंबर के कनेक्शन पे भी कुछ दिखा नहीं। अब और भी कुछ है देखते, पूल मेंबर अगर कौन सा पूल मेंबर से आ रहा है ये मुझे कैसे पता चलेगा या कैसे काम करता है वो एक बार। ये देखो ये हो गया, चारों दिखा दिए हमने ठीक है। अब देखो ये CS क्लाइंट साइड से था, अब है सर्वर साइड से SS क्लाइंट एड्रेस। तो सेम सिचुएशन हम लोगों को क्रिएट करना है यहाँ पे। अरे मेरे बाबू रुक जा, हमसे एक जगह चले गए, फिर हम लोग यहाँ से क्लियर होता है कि मुझे नहीं पता, फिर भी करके देखते। CLEARSCRWN गाली तो देना है, हाँ दे दिया। UUID क्या हो रहा है भाई, क्लियर स्क्रीन हो गया। TMSH
हुआ तुझे? ऊपर जा भाई। हाँ, अब क्या करना है हमें? शो एस वॉइस CONN कनेक्शन। अब क्या है? SS सर्वर साइड के देखो चार है, सर्वर साई सर्वर क्लाइंट एड्रेस। तो मैं पहले CA क्लाइंट एड्रेस कर रहा हूँ, जो हम लोगों का था वही डालते हैं, 192.168.42 डॉट क्या था, 10 या 40 भूल गया। नो इशू नो इशू नो इशू, डोंट गेट पैनिक्ड। एक है 50 है, कोई नहीं। और हमें देखना है मेरा जो सिस्टम है ये 50 का IP था। ओ बेटा जी, 10 40.10 ठीक है, 40.10। इसमें क्या रिजल्ट आता है? कुछ नहीं आया, सर्वर क्लाइंट एड्रेस, कोई नहीं, प्रॉब्लम नहीं। अब दूसरा इसमें डालते हैं 50, कुछ नहीं है। दोबारा मैं एक काम करता हूँ, सिस्टम में जाके ओपेरा को खोल के 192.168.40.50 एक ही आ रहा है, दूसरा सर्वर डाउन है क्या? पता नहीं, क्योंकि और भी एक आना चाहिए, 192.168.50 सेम ही आ रहा है, 192.168.40.50। हाँ ये अब आ गया, देखो दो सर्वर कनेक्शंस दिखा रहा है, दोनों से दोनों अलग अलग आ रहा है। ठीक है तो ये इंसानी, लेकिन काम किया तो देश के लिए इतना बता नहीं पाएंगे। चलिए और क्या करें। चलो हाँ, 40 50 में कुछ नहीं है, दोबारा चेक कर लो, कुछ नहीं है। तो सर्वर क्लाइंट एड्रेस हमें कुछ काम नहीं है, रास नहीं है। अब हम करते हैं सर्वर एड्रेस। सर्वर एड्रेस क्या है हमारे पास? वही करते, 192.168. क्या था? ओ सॉरी, कुछ उल्टा सीधा हो गया, 40.50 होना चाहिए था। चलो दोबारा करते हैं, 40.50 थोड़ा मिसमैच हो गया, कोई नहीं। 40.50 देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, सर्वर एड्रेस में कुछ नहीं है, तो यहाँ पे मुझे लगता है जो ओरिजिनल आईपी है 40.10 वो देना है। देखो अब आया, ठीक है, ये ओरिजिनल सर्वर का जो आईपी एड्रेस है उसमें जो कनेक्शन, देखो 42.5 सारे जो है 42.5 है, ठीक है, इसमें आ रहा है 42.10, ठीक है, 42.10 42.10 और 50, दो जगह से आ रहे हैं ये कनेक्शंस, ठीक है। ये ICMP कुछ रिक्वेस्ट हुआ था, ये F5 खुद डाला था, क्योंकि F5 का इंटरफेस का IP ICMP हमने क्रिएट किए थे। देखो 40.10 40.10 जो हमारा सिस्टम है, ठीक है, ये जो सिस्टम हमारा है इसमें अगर हम देखें तो इसमें 50 ये वर्चुअल सर्वर का IP है, 40.10 40.10 80 में रिक्वेस्ट डाल रहा है, 42.10 TCP। तो ये 40.10 40.10 कौन है? 40.10 मतलब मेरा जो सिस्टम है वो डाल रहा है। अगर हम देखें 42.20, इसको ऊपर करो, 42.20 करो, तो इसमें भी देखो आ रहा है, ये हमारा गेटवे होगा, 42.12.5 जो है कि गेटवे से हमने एक ICMP रिक्वेस्ट आया था शायद, ठीक है।
ये भी आपको काम का चीज है। ये 42.5 क्या है? 42.5, चलो एक बार देख लेते। 42.5 ट्रैफिक नेटवर्क इंटरफेस। देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम, मुझे यही बात अच्छा नहीं लगता, ये उल्टा, ये 42.5 देखो ये वर्चुअल आईपी है, ठीक है? 42.5, 42.5 ये वर्चुअल आईपी है, इस इंटरफेस का वर्चुअल आईपी, ठीक है? क्योंकि ये पुल को आपके आप रखने के लिए जो पिंग डाल रहा है आईसीएमपी, उसी के लिए दिखा रहा है, ठीक है? पुल आप करने के लिए मैंने इसमें नोड में लगाया है ना। अगर हम चलते हैं यहाँ पे लोकल ट्रैफिक नोड्स, देखो ये नोड आप है ना, ये 42.10, इसमें क्या लगा हुआ है? आईसीएमपी लगा हुआ है, तो इसीलिए वो जब भी पिंग कर रहा है वो हमें इंफॉर्मेशन मिल रहा है। देखो ये आईसीएमपी वो घंटे घंटे भर पिंग कर रहा है, तो ये सर्वर में कौन क्या कनेक्शंस है वो दिखा रहा है इस सर्वर में 42 में। अगर हम 10 के करें तो 10 में भी आईसीएमपी अब आ रहा है। अब इस टाइम में हम क्या कर रहे हैं, फिर थोड़ा इधर आते हैं, आने के बाद इसको कह रहे हैं भाई तू दोबारा से कनेक्शन इनिशिएट कर, ये आ गया, फिर कर, फिर इसमें इसको भी करते हैं भाई तू फिर करो, हाँ ये आ गया सुभाष चंद्र जी, इसको फिर अभी भी करो, फिर करो, देखो आ रहा है। और अब देखो यहाँ पे आईपी भी हमने इसीलिए किया था कि भाई हम लोग को आईपी भी दिख जाए कौन सा आईपी है, ठीक है? अभी वो दिखेगा नहीं, ये देखो 42.20 है, 42.10 है, तो यहाँ पे हम लोग अभी अगर हम इसमें 42.10 के लिए देखो टीसीपी कनेक्शन एक होना चाहिए, ये देखो टीसीपी कनेक्शन इनिशिएट हो रहा है, ठीक है? 40.10, 40.10 से हो रहा है, 40.50 है आपका वर्चुअल आईपी। अगर हम इस सिस्टम में जाएं तो देखते हैं इस सिस्टम का जो वर्चुअल जो इसका जो आईपी है वो 10 है, ये देखो 40.10 है, तो इस आईपी से इनिशिएट कनेक्शन इनिशिएट हो रहा है। और ये 50 है वर्चुअल सर्वर का आईपी, मतलब जो हम पुल का आईपी है पुल मेंबर, क्योंकि अगर हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे ये पुल वर्चुअल सर्वर का आईपी है और ये पुल का नाम है और ये पुल मेंबर्स है, ठीक है? पुल होता है ग्रुप, सर्वर ये होता है फिजिकल डिवाइस, और ये वर्चुअल आईपी होता है जो आपको रिडायरेक्ट करता है आपके सर्वर में। हो गया, इसमें अगर हम 10 की जगह 20 डालें तो भी देखो ये आपको दिख रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ भाई, मुझे ना एड्रेस नहीं चाहिए, मुझे ना पोर्ट चाहिए, PORT, पोर्ट की जगह मैं कह रहा हूँ 80। अब देखो सिर्फ 80 वाला ट्रैफिक दिख रहा है, कौन हिट कर रहा है, क्या कर रहा है, ठीक है? और एक चीज, अब हमने जो गलत डाल रहा था ऊपर में जाके, ये सर्वर के लिए एड्रेस है, सर्वर पोर्ट के लिए है, उससे पहले हम लोग डाल रहे थे क्लाइंट एड्रेस, क्लाइंट एड्रेस होगा हमारा 40 नहीं, 40.10, 40.10 देखो वही सेम दिखा रहे हैं हम। 40.10 क्या इनिशिएट कर रहा है, टीसीपी ट्रैफिक इनिशिएट कर रहा है, सेम दिखा रहा है, ठीक है? 40.10 जो हमारा क्लाइंट है, क्लाइंट से सर्वर का जो कनेक्शन है पूरा डिटेल्स, ये 40.10 है सोर्स, ये है आपका वर्चुअल आईपी, ये है आपका जो ओरिजिनल सर्वर है उससे क्या कनेक्शंस आपको आप इनिशिएट कर रहे हो, ठीक है? देखो यही है 40.10 है, इसे 40.10 में कर रहा है, 40.20 भी कर रहा है, देखो दोनों ही दिखा रहा है वो कहाँ पर हमें कनेक्शन इनिशिएट कर रहा है, कि आपके सोर्स आईपी डाल दे कि भाई ये मेरा आपके सर्वर से कम्युनिकेट हो रहा है नहीं हो रहा है इस पोर्ट पे, ठीक है? तब आपको यहाँ पे देखना है क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे पॉलिसी स्टैटिस्टिक्स देखो, ठीक है? मेमोरी सिस्टम नेटवर्क्स देखो, बहुत सारा आप आपको मिलता है। तो आज के लिए इतना ही, ज्यादा नहीं प्रेशर डालेंगे ब्रेन पे, ठीक है? तो हमने जो सीखा मैं वही इसका वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, और आगे भी बहुत कुछ आने वाला है। लोग पढ़िए, मैं भी जो जो मुझे मैं जो जो सीख रहा हूँ आप लोगों को सिखा रहा हूँ, सिखा नहीं रहा हूँ, सॉरी ये गलत हो गया। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो नॉलेज है मेरे पास थोड़ा बहुत वो मैं आप लोगों को शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, और इसमें मेरा भी प्रैक्टिस हो जाता है, इसीलिए आपसे करता हूँ ये सब शेयर। और अगर किसी एक बंदे का भी भला हो जाता है तो बहुत कुछ है। जय हिंद, खुश रहिए, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।